आज बना रही है ये हरा वाला सब्जी, ये हरा साग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, पोरों का साग हम लोग बोलते हैं, आप लोग जो पता नहीं कौन साग बोलते हैं इसको, ये हरा साग है। इसको क्या बोलते हैं, कोई भी आपको सिलबत्ता हो या कोई खलु, उस पर चूर देना है, चूर के ही बनता है, उसमें बहुत टेस्टी बनता है। देखिए जिसे चूर रहे हैं हम, ये सब पत्ता को तोड़ के इसको चूर देना, देखिए इस तरह चूर देना है। इसको कोई बर्तन में डाल देना है, उसमें क्या बोलते हैं आधा चम्मच या 1 बड़ा चम्मच से बेसन डाल दीजिएगा, और इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा हरी मिर्च और देख लीजिए, और थोड़ा गरम मसाला और सब डाल के इसको अच्छा से मिक्स करिएगा। चम्मच से मिक्स नहीं होगा, इसमें पानी रहता है, इसीलिए हाथ से मिक्स करना पड़ेगा बढ़िया से। बेसन थोड़ा सा ही दीजिए, ज़्यादा बेसन नहीं पड़ता है, थोड़ा सा बेसन डालना पड़ता है। देख लीजिए इसको अच्छा से मिक्स करिए, बहुत टेस्टी इसका सब्ज़ी लगता है खाने में, सूखी वाली सब्ज़ी बनाई थी, देख लीजिए। देखिए इसको ऐसे करके जब हाथ में फैलाने पर लायक हो जाए तब इसको हो गया। थोड़ा सा तेल भी थोड़ा सा ही लगता है इसमें, थोड़ा तेल डालिए कढ़ाई में और देख लीजिए हाथ से किए, इस तरह इसको फैलाना है हाथे पर, और फैला फैला कर इसको कढ़ाई में डालते जाइए। बहुत सुंदर सब्ज़ी लगता है खाने में, और इसे भी खा सकते हैं और परोठा के भी साथ खा सकते हैं, देख लीजिए। इस तरह इसको सब इसी तरह बना लेंगे गोल गोल करके, टिक्की की तरह, देख लीजिए ऐसे बना दिए। और चम्मच थोड़ा थोड़ा ही तेल डालना पड़ता है, ज़्यादा तेल भी नहीं लगता, बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बन जाता है, देख लीजिए कितना अच्छा बना हुआ है। और इसको पकाने में जल्दी टाइम लगता है, 5 से 6 मिनट बन के तैयार हो जाता है। इसको पलट देंगे और ढक्कन से इसको हम ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, देख लीजिए कितना अच्छा बना हुआ है। देखिए जैसे ढक्कन से हम ढक देंगे, देखिए ये सब गुंदा पुंदा के इसको हम सेक लेंगे। बहुत ई साग है, बहुत सुंदर लगता है इसका खाने में सब्ज़ी, एक बार जरूर इस तरह बनाइएगा आप लोग। बनाए रहते सोचा वीडियोस भी शूट कर ले, इसीलिए शूट कर दिए आप लोगों को दिखाने के लिए, देख लीजिए किस तरह बनाए हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा बन का तैयार हो गया है, आप लोग पता नहीं इसको कौन साग बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं बता दिए थे। देखिए कितना अच्छा बन का तैयार हो गया है, यदि तोड़ के भी दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। आइए आप लोग भी खा लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये हरा वाला सब्जी या साग जो बोलिए आकर खा लीजिए, ये हरा साग की टिक्की। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब।